आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। रूपाणी जब उन्होंने सौरक्ष सिधारा क्या उसकी अस्थियां अपना गंगा में प्रवाहित करी, वो लक्कड़हारा नुक्कण लगे बिना मने तन्युए ना बिरयो गंगा सह के, क्या का नाम है गंगा? मैंने महाराज बावड़ा रह गया। वो लक्कड़हारा पूछता और बिन्ना बताती है कि किस प्रकार से ये गंगा इस मृत लोक में आई थी। ये पवन जी के फरमाइश है, खड़े खड़े तुरंत पा चंडीगढ़ लिखवाऊ है, तो कोशिश करेंगे आपके बीच में। लक्कड़हारा उस बिन्ना को जब पूछता है तो बिन्ना बताती है और क्या कहती है, ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से हुआ निकली गंगे और मृतलोक में इंसानों की गति करण में आई थी। ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे आई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करण में आई थी। ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे हे महाराज, मैं बताती हूं गंगा के बारे में। ये गंगा बड़े कष्टों के बाद, बड़े तप करने के बाद इस मृत लोक में आई थी। इस गंगा को इस मृत लोक में लाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने तप कराया, जैसे पवन जी की फरमाइश थी कि सतयुग में राजा सगड़ हुए और राजा सगड़ के 60,000 पुत्र बताते हैं। आजकल जब 4-5 छोरे हो जाए तो आप घमंड को डटन, अब 60,000 जिसके छोरे हो उसका अहंकार तो और ज्यादा हो जाता है। अश्व मेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया और सवर्ण के अक्षरों से लिखवा दिया कि जो इस घोड़े ने पकड़ेगा मारा गेला लड़ाई करनी पड़ेगी, और नहीं तो जड़े जड़े वो घोड़ा जागा ना वो सब राज्य हमारे अधीन हो जाएंगे। बताते इंद्र ने बेरा लग गया, इंद्र ने सोचा भाई नहीं तो धरती पर सगड़े सगड़ रहेगा। अश्व मेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ के और तपस्या में लीन कपिल मुनि उसके आश्रम का बाहर बांध दिया। 8-10 रोज गुजर के घोड़ा वापिस नहीं आया। राजा सगड़ न चिंता होगी बैसा बलवान कौन होया जिसने हमारा घोड़ा पकड़ लिया। छोरे तक कहने लगे अरे बैठे रही हो तो मुझे न पनाई, वो घोड़ा तो किसी ने बांध लिया। बताते उस घोड़े की तलाश में वो 60,000 पुत्र लकड़े और जाके देखा कपिल मुनि का कुटिया का गबन रहा। अनु कहने लगे देखो रे एक मोटे की इतनी औकात, एक बाबा जी की इतनी औकात, मारा घोड़ा बांध लिया। इतनी कह के कपिल मुनि की कमर में लात मारी, ऋषि की तपस्या भंग होगी। कपिल मुनि ने जड़े जड़े नजर डाली, सब में भस्म हो गया। 60,000 राख हो गए। कई दिन गुजर गए, राजा ने चिंता होगी भाई कड़े गए इसे। बताते राजा सगड़ का पोता अंशुमान नुकन लगे दादा मैं टोकी लाऊंगा। जो अंशुमान फिरते फिरते जंगल में और कपिल मुनि के आश्रम में आए, देखा सारे भस्म पड़े हैं। मन में विचार करता इनकी गति कैसे हो। बताते हैं उस टाइम गरुड़ भगवान प्रकट हो जाते हैं और अंशुमान तो नुकन लगे भाई अरे खड़े खड़े गति ना हो,
इन मृतकों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो। लमहाराज गंगा कौन है? ये देवताओं की नदी है, स्वर्ग लोक में बहती है। लमहाराज इव 60,000 आदमियों की अस्थि ठाके हर मैं स्वर्ग में जाऊं, मेरे मत इतने आशंक होने और मन जान कौन देगा उड़े। बोला न्यू नहीं, गरुड़ ने रास्ता बताया कि गंगा मृत लोक में आवे। महाराज कुकर आवे के भजन करे तो आवे, भजन करे तो साक्षात भगवान मिल जाते। के इस गंगा ने लियावन खातर बड़े बड़े ऋषि तप करते गए, साधु संत महात्मा योगी तप करते करते मर गए। 32,000 साल तक पोते अंशुमान भी तप कर गए, गंगा जी को नहीं आई। अंशुमान के पैदा हो गए प्रतापी दलीप नाम, 1,000 साल तक गंगा लियाने में वो कर गए काम, और फिर अपने पोते भागीरथ ने सौंप मरे इंतजाम। अंशुमान भी गुजर गया और भागीरथ का जिम्मेदारी लादी, भाई तने भजन करना है गंगा का, जब गति होगी पूर्वजों की बताते। 80 चोटी चाई का जोर लगा दिया भागीरथ ने, गंगा जी को नहीं आई। ब्रह्मा जी आ गए, भागीरथ के करे भाई कि महाराज गंगा ने लियाऊंगा। नुमलेरा बावले गंगा छोटी मोटी नदी को न्या, इस मृत लोक में सिद्धि आ गई तो सबके में जल मगन हो जाएगा। लोगो रास्ता बताया ब्रह्मा जी ने, आपके नाम राजेश कुमार, अच्छा इनका भी नाम राजेश है, बने राजेश इकट्ठे हो गए। भूपेंद्र जी एडवोकेट साहब 100 रुपए सम्मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। बताते प्रसन्न होके ब्रह्मा जी ने मुंह मांगे दिया वरदान, गंगा भी आज मृत लोक में उससे पहले कर शिव का मान, क्योंकि शिव जी का बिन इस मृत लोक में डटन है ना बलवान। गंगा जी की स्तुति छोड़ दी और शंकर का ध्यान में लग गया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान राजी हो गए। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंग, गंगा थी गुमान भरी करण लागी सब न तंग। और एक बार तो ऐसा लग गया जनु शंकर न बहाले जा संग। फिर शिव शंकर ने मुसलधार बरसन लग गया, शिव शंकर ने डाटिया दात, बिंदु सारे हिमालय तक गंग की लकड़ी धार सात, तीन धार पश्चिम का नहीं तीन धार पूर्व का नहीं जात। सात धारों में से तीन पश्चिम की तरफ चली जाती है, तीन पूर्व की तरफ, एक धार भागीरथ के साथ इस मृत लोक में आती है। लेकिन आने से पहले ब्रह्मा जी का आगा हाथ जोड़ के खड़ी होगी, हे महाराज मृत लोक में भेजे तो से और तब पापी बंदे हैं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने लगे, पहली कली में वो बिना समझाती है गंगा क्यों कराई, क्या कहती है? और ब्रह्मा बोले मत घबरावे, सबकी कश्ती मिटा जाके तेरा भी दोष उतारेंगे, मेरी सी महात्मा नानाते तेरा भी दोष उतारेंगे, मेरी सी महात्मा नानाते। जैसे भागीरथ की करनी ते वो भागीरथ की करनी ते कुटम न मुक्ति पाई, भगवान जोत से निकली गंगे आई, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई, मृतलोक में इंसानों की गति करने
मेरे बहुत ही आदरणीय है पंकज पहलवान जी, 201 रुपए से मान सम्मान देते हैं। पहलवान साहब का बार बार धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई दिनेश शर्मा जी मानहेरू गांव से 201 रुपए से मान सम्मान बार बार धन्यवाद। हे पतिदेव लकड़हारा न्यू करने लगा बोल भी ना, मने एक बवा जगह दिखा दियो जड़े मेरी सांस भसम हुई। के करेगी के उसकी अस्थि ले जाकर गंगा जी चलेंगे दूसरी गली में। क्या कहती है क्या ये 200 रुपए पवन जी, ये 200 रुपए घने घूम के आए हैं पवन जी, मारे बटे हुए हैं और जितेंद्र जी इनके बटे हुए हैं, मारता ही दोनों बताई है। ये तो हमारे पक्के बटे हुए हैं इसमें को हाँ बटे हुए बटे हुए चढ़ गए तो। सौ रुपए मेरे आदरणीय राजवीर जी दिल्ली पुलिस मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बहुत याद ने मेरे साथी कलाकार भाई विनोद जी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। 101 रुपए करण सिंह जी मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे ताऊ जी माने रुगांव से बीपी शर्मा जी 251 रुपए से मान सम्मान बार बार धन्यवाद। और 251 रुपए स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी के नाम से देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहती हैं दो सौ एक रुपए हमारे आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी के गुरु नाम सत्ते खानपुर से बार बार धन्यवाद। सतवीर जी का धन्यवाद। दूसरी कली में बिना क्या कहती है क्या होता है। गंगा जी हृदय यही सुमरणी है और दान करे बिन पार तरना रस्ते में बतरनी है। श्री गंगे मैया इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। गंगे मैया इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। और मेरी सास देवता के तुल हो, मेरी सास देवता के तुल हो, जिन्हें तेरी सूरत जाई थी, इंसानों की बनी करने में आई थी। तू भगवान ज्योत से निकली गंगे आई थी, अतलोक में इंसानों की बनी करने में आई थी, अतलोक में इंसानों की बनी करने में मेरे बहुत ही आदरणीय दिल्ली पुलिस से बलजीत राठी जी 1000 रुपए पहले मान सम्मान किया, 201 रुपए से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद। और 200 रुपए मेरे आदरणीय पवन शर्मा जी हमारे पक्के रिश्तेदार मान सम्मान देते हैं बार बार धन्यवाद। तीसरी कलीमा लोगों गौर करना के राज करणीय राजा ने तो घनी समाई थी ऐसे और दूसरा ब्याह करवा ले नहीं लुगाई थी ऐसे। राजा ऐसे नहीं बनाया जाता, राजा बनने के लिए एक सिटी होती है। सिटी कौन सी के गुणों क्यों कर बनाए क्या कहा
इसकी भी एक फरमाइश, इसके बाद पूरी करूंगा। वहां तीसरी कली में लोगों, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, गौर करना, अच्छी बात हो तो तालियां चाहूंगा आपकी, कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। प्यार प्रेम भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है, वो बिना समझाती है क्या कहती है। हे रब पैसा दिला खर्च करने, ओ पैसा दिला खर्च करने, मैल हाथ का भक्त पिया दान पुण्य, और धर्म करण में हाथ न चाहिए सख्त पिया, दया से धर्म धर्म से नीति, नीति से रज तक तपिया, चलो पिया जी गंगा चला लकड़िया जा से, चलो पिया जी गंगा जी जा, और इस ओटे मेरे दर्शन हो जा, इस ओटे मेरे दर्शन हो जा, कदे गंगा जी ना नहाई थी, बहुत यादनीय है आपके थे। मेरा नाम ध्यान नहीं रहा, माफी चाहूंगा। अच्छा अच्छा, मेरा मैं तो सारे हम छोटा हूं जी, बड़ा बड़ा ये तो प्यार है जी, बड़पन आपका। मेरे छोटे भाई 201 रुपए सम्मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। और आखिरी कली में तो दादा लक्ष्मी चंद्र कलम तोड़ती, लेकिन नाम उसका रहस है जो प्यार प्रेम करता हो, भाईचारे में रहता हो, मान सम्मान करता हो, दान पुण्य करता हो। क्या कहते क्या बता, सब कष्ट मिटे, मान सिंह सब कष्ट मिटे, ईश्वर के गुण गाने से लक्ष्मी चंद दाग धोए जा, श्री गंगा जी में नहाने से, अरे जोड़ जोड़ धन धरे जमी में, जाते चले जमाने से, चलो पिया जी गंगा जी चला हो दर्शन इसी बहाने से, चलो पिया जी गंगा जी चला हो दर्शन इसी बहाने से। और ऋषि महात्मा कहते आए, ऋषि महात्मा कहते आए, या दुख की धर्म दवाई, बोल श्री कृष्ण भगवान की। मेरे बहुत ही आदरणीय बलजीत राठी साहब जिनकी फरमाइश थी, अच्छा जितेंद्र जी की तरफ से, वाह जी धन्यवाद आपका, आप सभी के हैं 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद।